दोस्तों नमस्कार, मैं अब एक शुरू कर रहा हूं एक विशेष सीरीज। जी हां, एक खास सीरीज हम शुरू कर रहे हैं इस एमएसएमई हेल्पलाइन पर, जिसका नाम है डिजिटल सर्विसेज। दोस्तों यहां मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारी सर्विसेज सरकार ने ऐसी कर दी है जहां पर आपको किसी डिपार्टमेंट किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठकर वो सर्विसेज ले सकते हैं। कई बार आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, आपको लगता है कि अब ये इंफॉर्मेशन मैं कैसे लूं, डिजिटली आपको बहुत सारी सर्विसेज और बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपके अपने कंप्यूटर पर, आपके अपने फोन पर या फिर आपके अपने लैपटॉप पर। आज इस सीरीज के पहले एपिसोड में मैं आपको बताता हूं आपके ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। यहां एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में सारी जानकारी देखना चाहते हैं, आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर तो याद है लेकिन आप बाकी चीजें सब भूल गए हैं कि कब आपने बनवाया था, कब तक के लिए वो वैलिड है, तो आप जाइए एक वेबसाइट जिसका नाम है parivahan.gov.in। हाँ दोस्तों, आप जब इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा ऊपर एक टैब, उस पर लिखा है इंफॉर्मेशनल सर्विसेज, आप इसको क्लिक कीजिए। ड्रॉप डाउन में आप देखेंगे वहां पर लिखा है नो योर लाइसेंस डिटेल, बस आप इसको क्लिक कर दीजिए। दोस्तों जब आप इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इंफॉर्मेशन आपको डालनी है, जैसे आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ वो तो आपको पता ही है, और एक कैप्चे है जो लिखा है वो ही लिख दीजिएगा और लीजिए आपके पास आपके ड्राइविंग लाइसेंस की सारी डिटेल, यानी कब से बना था, कब रिन्यू हुआ था, कब तक वैलिड है। आप इसको प्रिंट भी ले सकते हैं इसका, और जब भी जैसे भी जरूरत हो आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस की सारी इंफॉर्मेशन की, आप यहां से देख सकते हैं। दोस्तों इस में एक खास बात और है, क्योंकि अगर आपका कुछ पुराना लाइसेंस बना हुआ है उसको आपको जब यहां पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना है तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे पहली दो डिजिट जो है दोस्तों वो आपसे स्टेट से मतलब है, यानी अगर आप दिल्ली के हैं तो डीएल है, राजस्थान के हैं तो आरजे है, इस तरह शुरू होगा। यानी पहली दो जो आपको इसमें लिखना है वो स्टेट का जो कोड है वो लिखा जाता है, उसके बाद आपको आरटीओ का कोड है वो आरटीओ, दोस्तों ये आरटीओ कोड भी टू डिजिट का होता है। दोस्तों उसके बाद की जो चार डिजिट होती हैं वो होती हैं ईयर ऑफ इशू ऑफ योर ड्राइविंग लाइसेंस, तो जब आपने सबसे पहले लाइसेंस बनवाया था वो डेट यहां आपको होती है आपके ड्राइविंग लाइसेंस में। और दोस्तों उसके बाद की सात डिजिट होती हैं आपका एक्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस का जो नंबर होता है। तो ये आप यहां इस parivahan.gov.in पर जाकर इंफॉर्मेशनल सर्विसेज के अंदर अपने ड्राइविंग लाइसेंस की पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत खास वीडियो है, और ये सीरीज चलती रहेगी। हम यहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी देंगे जो डिजिटली अवेलेबल है, आप इंतजार कीजिए अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की, जहां मैं आपको बताऊंगा कि आपको किसी भी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से उसकी सारी डिटेल लेनी है तो वो आप कैसे ऑनलाइन ले सकते हैं। ये आपके बहुत काम आ सकती है आपके अपनी गाड़ी के लिए। आपको अगर कभी ऐसी जरूरत है कि आपको कोई ऐसी मजबूरी हो गई कि आपको एक गाड़ी नंबर तो पता है लेकिन आपको ढूंढना है कि कौन इसका ओनर है, क्या इसका मेक है, इसकी जो वैलिडिटी है वो कब तक है, इंश्योरेंस कब तक वैलिड है, वो सारे डिटेल आपको मिलेंगी मेरी अगली वीडियो में। तब तक बस आप ध्यान रखिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल को दबा दीजिए ताकि तुरंत आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही मैं अपनी अगली वीडियो यहां पर पोस्ट करूं। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।